بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum. I welcome you all to my channel, Taleem for Everyone. In this video, we are going to cover question number 9 till question number 13 from exercise 15B, and that is from chapter number 15, Statistical Data Handling, and this chapter is from New Syllabus Mathematics Book 1. So, question number 9 of exercise 15B. Question number 9 is on page number 385, and it's from exercise 15B. And question is that the table shows the temperature of a patient taken every 3 hours. Ye ek table given hai. इस टेबल में ये शो किया गया है कि एक पेशेंट है जिसका टेम्परेचर हर 3 आवर्स के बाद जो है लिया जा रहा है. ठीक है, सो टाइम्स इन आवर्स एंड टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, 15 आवर मींस दोपहर के 3 बजे. ये जो टाइमिंग्स हैं इट इज इन 24 आवर क्लॉक. दोपहर के 3 बजे 3 PM, सो टेम्परेचर कितना था, 39 डिग्री सेंटीग्रेड. 18 hours मतलब के 4, 5, 6 PM 39, 7, 8, 9 PM 39.5, 12 AM 37.5, 3 AM 39 degrees Celsius, 6 AM 38 degrees Celsius, and 9 AM 37 degrees Celsius. तो हर 3 hours के गैप से जो है पेशेंट का जो टेम्परेचर नोट जो है लिया गया, नोट किया गया, और वो यहाँ पे जो है टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है. कह रहे हैं यूज अ लाइन ग्राफ टू इलस्ट्रेट द अबव डेटा. वी हैव टू यूज अ लाइन ग्राफ टू शो और रिप्रेजेंट द अबव डेटा, बिकॉज जो है ये टाइम के लिहाज से जो चेंजेस हैं. तो देखते हैं इसका कैसे आंसर आया, इसका कैसे बनेगा लाइन ग्राफ. तो एक्स एक्सिस पे बेसिकली हमने टाइम्स इन आवर्स शो करना है, y एक्सिस पे टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, और नेम दे देंगे इस चार्ट का, लाइन चार्ट का, कि टेम्परेचर ऑफ पेशेंट. ठीक है, तो 15 आवर्स, 18 आवर्स, 21, 0, 3 आवर्स, 6 आवर्स एंड 9 आवर्स. फाइन, 15 आवर्स पे पेशेंट का टेम्परेचर है 39, 18 आवर्स पे अगेन 39, 21 आवर पे 39.5. अच्छा, स्केलिंग जो की 35, 36, 37, 38, 39, 40, और जो है 0.5 की जो है गैप है. ठीक है जी, 00 मतलब के 12 बजे 12 AM पे है 37.5, 3 AM 39, 6 AM इट इज 38, एंड 9 AM इट्स 37. ठीक है, देखिए चेंजेस विद टाइम जो है शो हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर, पेशेंट के टेम्परेचर में. तो इस तरीके से जो हमने लाइन चार्ट बना लिया ऑफ गिवन डेटा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल और ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ टेबल. नेक्स्ट है, फ्रॉम द लाइन ग्राफ व्हिच यू हैव ड्रॉन इन एस्टिमेट द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट एट 17 आवर एंड 1 आवर. 17 आवर एंड 1 आवर्स पे हमने जो है टेम्परेचर जो है नोट करना है. अब देखा जाए 15 and 18. Here it is somehow 16 hours and 17 hours. 15 पे हमारा है 39 degree Celsius temperature है patient का, 18 पे भी. तो obviously 17 पे भी हमारा 39 होगा. उसके बाद अगर देखा जाए 1 AM, 0, 1, 2, 3 here. तो जीरो ये रहा, वन समहाउ इधर होगा, टू ये रहा, थ्री रहा. तो जीरो पे है हमारा 37.5, फिर 1 आवर पे हमारा ऑब्वियसली होगा 38. सो टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट एट 17 आवर्स इज 39 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट एट 1 आवर इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सिंपल सा सोल्यूशन. आगे चलते हैं. Here it's question number 10. It is also on page number 385. And question number 10 is that,
Kate and Kharol each conduct a survey among 200 Singaporeans to find out whether they like shopping. The table shows the data that they have collected. Kate's data and Kharol's data, like shopping, मतलब कि जो लोग पसंद करते हैं वो 128 according to Kate's data, according to Kharol's data 29. Neutral, मतलब कि जो लोग shopping पसंद भी करते हैं नहीं भी करते, तो according to Kate's data it is 47 and according to Kharol's data it's 24. Dislike shopping, according to Kate's data it's 25 and according to Kharol's data it's 147. Basically this is frequency. ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टेकन. तो जब केट्स के डेटा को जो है सिलेक्ट किया तो सैंपल साइज जो है वो 200 था और फेरोस का भी 200. सजेस्ट टू रीजंस टू एक्सप्लेन द डिस्पेरेंसी बिटवीन द टू सेट्स ऑफ डेटा. मतलब कि दो रीजन ये बतानी है कि जो डेटा तो एक ही है इनका, मतलब कि इन्होंने जो है कलेक्शन डेटा की एक ही करनी है कि कितनों को जो है शॉपिंग पसंद है कितनों को नहीं है और न्यूट्रल कितने हैं. तो केट्स को भी उसी से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है और फेरल्स को भी. बट द प्रॉब्लम इज दैट दोनों का जो डेटा है वो जो है डिफरेंट है. ठीक है, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? हो सकता है उन्होंने सैंपल जो हो एन स्मॉल एन की वैल्यू तो 200 हो, लेकिन हो सकता है उनका स्टेट डिफरेंट हो. उनका स्टेट डिफरेंट हो या उनकी जो है सिटी डिफरेंट हो, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन हो सकता है. या केट्स में जो है वो जो केट्स ने जिनसे डेटा कलेक्ट किया वो फीमेल्स हों और फेरुल्स ने जिनसे डेटा कलेक्ट किया वो मेल्स हों. तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है डिफरेंस हो सकता है. तो इसका आंसर देख लेते हैं. तो द मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स इन केट सर्वे आर मोस्ट लाइकली फीमेल्स वाइल दोज इन फेरुल्स सर्वे आर मोस्ट लाइकली मेल्स. Kate and Kharol may have conducted each of their survey at a different location. Example, Kate may have conducted her survey at Orchard Road while Kharol may have conducted his survey at a housing estate. So these are the two main reasons why there is a discrepancy between these two data sets. So I hope so yahan tak aap logo ko samajh mein aaya hoga. Aage chalte hain. Here it's question number 11. Question number 11, it is also on page number 385. And the question number 11 is that the line graph shows the average temperature of two countries, X and Y. Two countries are X and Y. Unka jo hai average temperature show kiya gaya hai according to in the form of line graph in each month from January till June. January till June tak jo hai कंट्री एक्स और कंट्री वाई का एवरेज टेम्परेचर शो किया गया है. नोरा सेज दैट जिसने जो है कलेक्ट किया है डेटा और लाइन ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिखाया, वो ये कहती है नोरा कि टेम्परेचर इन कंट्री एक्स चेंज मोर ड्रेस्टिकली दैन दोस इन कंट्री वाई. डू यू एग्री विद हर? एक्सप्लेन योर आंसर. यहाँ पे ये कह रहे हैं नोरा, ये कहती है कि कंट्री एक्स में जो है टेम्परेचर जो है वो ज्यादा जल्दी जो है चेंज हो रहा है एज कम्पेयर टू कंट्री वाई. ठीक है, तो अगर देखा जाए स्केलिंग की बात की जाए कंट्री एक्स की, वो 23 से स्टार्ट है. ठीक है, और अगर कंट्री वाई की बात की जाए वो जीरो से स्टार्ट है. 23 की अगर स्केलिंग देखा जाए 23-25, तो इनमें जो वन यूनिट का जो है डिफरेंस है, जबकि कंट्री वाई में जो डिफरेंस है वो 5 यूनिट का, 0, 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, फिर 20, इस तरीके से. ठीक है, तो कंट्री एक्स के हम जो है रीड आउट करते हैं. मैं क्लीन करके दिखाती हूँ, मतलब कि थोड़ा सा इन पिक्चर्स को थोड़ा सा ब्रॉड कर लूँ. अब कंट्री एक्स की अगर बात की जाए तो जनवरी में जो टेम्परेचर था वो कितना है, 24 डिग्री सेंटीग्रेड. फरवरी में जबकि है 29 डिग्री सेंटीग्रेड. मार्च में जो है आपका 31 डिग्री सेंटीग्रेड. अप्रैल में है 28, मई में है 33 एंड जबकि जून में है 30. ठीक है, कंट्री वाई पे अगर आ जाए, कंट्री वाई में जो टेम्परेचर है वो जनवरी का है 26, फरवरी का है 30, मार्च का है आपके पास 29, अप्रैल का है आपके पास 31, मई का है 35 और जून का है 30, 31, 32. तो अगर ज्यादा गौर से देखा जाए टेम्परेचर में इतना कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ द डिफरेंस इज दैट
कि इनकी स्केलिंग है, इसकी जो स्केलिंग है वो 23 और से लेके 35 के अंडर कर लेते हैं, जो दोनों की जो स्केलिंग है वो इन एक्चुअल जो स्टार्ट जो हो रही है वो 23 से 35 के अंडर ही अंडर जो है ठीक है, इन बिटवीन। बट यहाँ पे क्या है, 23 से स्टार्ट हो रहा है और 33 तक जा रहा है, यहाँ पे जबकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है 40 तक है, और डिफरेंस जो है गैप जो है 5-5 यूनिट्स का, यहाँ पे 1 यूनिट का है, तो यहाँ पे इस वजह से जो है ज्यादा ज्यादा जो है शो हो रहा है, ज्यादा जल्दी चेंजेस जो है शो हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है, इनकी ऑलमोस्ट जो है चेंजेस सेम है। सो नो, मैं तो एग्री नहीं करती हूँ। खैर, तो आप लोग भी जब मेरी अगली वाली वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा। सो नो, आई डोंट एग्री विद नोरा। द टेम्परेचर इन बोथ कंट्रीज रेंज फ्रॉम 24 डिग्री टू 35 डिग्री, रेंजेस 24 टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड में ही है, ठीक है, बट द डिफरेंस इज दैट कंट्री वाई में जीरो से स्टार्ट हो रहा है। द टेम्परेचर इन कंट्री एक्स सीम टू चेंज मोर ड्रेस्टिकली दैन दोज इन कंट्री वाई बिकॉज द वर्टिकल एक्सिस ऑफ द लाइन ग्राफ which shows the temperature country X starts from 23 degree centigrade instead of 0 degree centigrade. So, ye ek main difference hai. So, I hope so, yahan tak aap logo ko samajh mein aaya hoga. Aage chalte hain. Here's question number 12. And question number 12 is that the monthly expenditure of Raj is presented in a three-dimensional pie chart and a two-dimensional pie chart respectively. राज एक मतलब कि पर्सन है जिसका मंथली कितना खर्चा हो जाता है, लाइक रेंट पे, फूड पे, क्लोथ पे, यूटिलिटीज बिल मींस के इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोनिक बिल, गैस बिल, और लग्जरी गुड्स मतलब कि कोई और चीजें घर की लेनी हो, उसमें कितना मतलब के खर्चा हो जाता है, एक्सपेंसेस आते हैं। उसने उसको थ्री डायमेंशनल चार्ट पे भी शो किया पाई चार्ट और टू डायमेंशनल पे भी, ठीक है। थ्री डायमेंशनल मतलब के एक्सिस एक्स वाई जेड थ्री एक्सिस होते हैं, टू डायमेंशनल मतलब कि कोई भी चीज अगर है तो वो टू एक्सिस पे बेस करेगी एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये है, तो बेस्ड ऑन थ्री डायमेंशनल पाई चार्ट व्हिच आइटम डज राज स्पेंड द मोस्ट, अगर देखा जाए इनमें सबसे ज्यादा जो राज ने जो है अकॉर्डिंग टू दिस पाई चार्ट अकॉर्डिंग टू थ्री डायमेंशनल राज ने सबसे ज्यादा किस पे स्पेंड किया होगा, मुझे तो लग रहा है लग्जरी गुड्स, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है इसने लग्जरी गुड पे जो है स्पेंड किया होगा। तो बेस्ड ऑन द थ्री डायमेंशनल पाई चार्ट राज स्पेंड द मोस्ट ऑन लग्जरी गुड्स, मतलब के जो डिफरेंट जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया या डिफरेंट और चीज हो गई, ये लग्जरी लाइफ स्टाइल्स में जो है आता है। तो अकॉर्डिंग टू थ्री डायमेंशनल मुझे तो जो है लग्जरी गुड्स लग रहा है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि बेस्ड ऑन द टू डायमेंशनल पाई चार्ट विच आइटम डज राज स्पेंड द मोस्ट ऑन, मतलब कि डेटा एक ही है, हमें सिर्फ देख के बताना है कि कितनों पे जो है राज ने स्पेंड सबसे ज्यादा किया है। तो अकॉर्डिंग टू थ्री डायमेंशनल लग्जरी गुड्स लग रहा है, नाउ अकॉर्डिंग टू टू डायमेंशनल लग्जरी गुड्स एंड ब्रांड का अगर देखा जाए तो सेम लग रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो Based on the two-dimensional pie chart, Raj spent the most on the rent and luxury goods. ठीक है, suggest a reason to explain the discrepancy between your answer in one and two. आपके आंसर में हमारे जो आंसर में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्यों, जबकि डेटा हमारा सेम है तो आंसर भी सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। वो प्रॉब्लम ये है, इन अ 3D-dimensional pie chart, the sizes of the sectors will look distorted. The sector towards the back of the pie chart will appear smaller than those the front. मतलब कि 3D chart में क्या होता है, basically जो back पे चले जाते हैं ना वो थोड़ा सा small नजर आ रहा होता है, और जबकि जो front पे होते हैं वो मतलब कि फिर भी ज्यादा दिख रहा होता है। अगर देखा जाए ये वाला food का, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा लग रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, यहाँ बिल्कुल सेम। इस पे भी देखा जाए क्लोज पे ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, जबकि ये नहीं, क्लोज का थोड़ा सा ऑलमोस्ट बराबर ही लग रहा है, ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है जबकि ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, जबकि ये थोड़ा सा कम लग रहा है स्पेस। सिमिलरली यहाँ पे भी ये ब्रांड जो है थोड़ी सी स्पेस कम लेता हुआ दिख रहा है, जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लग रहा है, और फूड ऑलमोस्ट बराबर ही लग रहा है। तो ये एक डिफरेंस है 3D-dimensional pie chart में क्या हो रहा है, जो 3D शेप्स है उसमें क्या होता है, जो सेक्टर्स जो है पीछे की तरफ होते हैं वो उनका जो साइज है वो हमें छोटा दिख रहा होता है, तो इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा है हमारे पार्ट वन और पार्ट टू के जो है आंसर्स में।
तो आई होप तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा. आगे चलते हैं. सो बेसिकली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज 15B. आफ्टर दैट एक्सरसाइज 15B जो है कंप्लीट हो जाएगी. सो क्वेश्चन नंबर 13 इज दैट द टेबल शोज अ नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग कार्स एंड मोटरसाइकिल्स इन ईच ऑफ द मंथ फ्रॉम अप्रैल टू जून इन सिंगापुर. ये टेबल है, किसी ने डेटा कलेक्ट किया. डेटा हाँ, किसने कलेक्ट किया? अमीरा ने. अप्रैल मई जून में जून का के कार्स और मोटरसाइकिल के दरमियान के कार्स और मोटरसाइकिल से हर मंथ मतलब कि अप्रैल टू जून में कितने एक्सीडेंट होते हैं. तो अप्रैल के अकॉर्डिंग कार्स का जो एक्सीडेंट हुए हैं वो 211, मोटरसाइकिल 23, मई में 194, मोटरसाइकिल 31, जून में 257, मोटरसाइकिल में 38. सो अमीरा कंक्लूड्स दैट इट इज मोर डेंजरस टू ड्राइव अ कार देन टू राइड अ मोटरसाइकिल बिकॉज देयर आर मोर एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग कार्स. डू यू एग्री विद हर? प्रोवाइड टू रीजन फॉर योर आंसर. ठीक है, पहली बात तो ये कि हमने देख लिया डेटा क्या है कि अकॉर्डिंग टू अप्रैल मई जून जो कार्स के एक्सीडेंट है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मोटरसाइकिल. ठीक है, तो मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ. मैं क्यों नहीं एग्री करती हूँ मैं बताती हूँ. So I don't agree with Amira. Why? Because as there are more cars than motorcycle in Singapore. हो सकता है सिंगापुर में कार्स ज्यादा हो मोटरसाइकिल कम हो. It is not surprising that there are more accident involving cars than motorcycle. जब कार्स ज्यादा होंगी तो obviously accident भी ज्यादा होंगे. So moreover there may be a higher chance of accident involving motorcycle occurring due to the nature of the vehicle. और ये भी हो सकता है मोटरसाइकिल के ज्यादा हो रहे हों accident. ठीक है, तो ये भी चांसेस है हमारे पास. तो ये सब जो है डिपेंड करता है नेचर ऑफ द व्हीकल्स पे. ठीक है, सो ये थी इसकी रीजन. तो आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा. यहाँ पे ऑलमोस्ट चैप्टर नंबर 15 मैंने यहाँ पे वाइंड अप किया ऑफ न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1. अगर किसी को किसी भी चीज से रिलेटेड चैप्टर नंबर 15 में कोई भी क्यूरी हो सो यू मे कमेंट योर क्यूरी एनी टाइम. I will try to respond them as soon as possible. अगर किसी को review exercises का भी करना हो तो मुझे बता दीजिएगा. I will try to cover that also. But मैं review exercise पे इतना focus नहीं करती हूँ. मैं सिर्फ simple chapter number 15 को मैं बहुत lightly, बहुत जो है deeply में लेकर चली हूँ. अगर किसी को किसी भी चीज से related कोई भी problem हो कभी भी comment कर सकते हैं. So thank you for watching. If you like this video, so don't forget to kindly subscribe my channel Taleem for Everyone and hit like button and also don't forget to press bell icon ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त सबसे पहले मिलती रहे. So thank you once again. Allah Hafiz.